So what's up guys, and welcome back to my channel with my new video. And guys, in this video I'm modifying this Suzuki Brezza into this. And guys, please watch this video till end because the modification is काफी अच्छी है. And guys, जो video की length है वो छोटी है, तो please इस video को last तक देखना. And अगर ये video अच्छी लगे और ये modification अच्छी लगे, तो please don't forget to hit that like button. Like करे बिना please जाना मत. और सबसे मेन थिंग, अभी जाके वो जो लाल बटन है नीचे सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर दो एंड सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय वर्क. प्लस गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे फॉलो कर लो, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे वॉलपेपर्स डालता हूँ अपने, काफ़ी अलग जो काफ़ी काम है वो भी मैं वहाँ डालता हूँ. सो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो. और साथ ही साथ गाइज, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था जिसमें मैंने टोयोटा फॉर्च्यूनर को मॉडिफाई की थी, अगर देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दो. मैंने उस वीडियो में बोला था कि मेरे जो कमेंट सेक्शन में जाके तुम रेट कर सकते हो, मेरे मॉडिफिकेशन को पॉइंट्स दे सकते हो आउट ऑफ 10, तो वहाँ पे जाके मुझे पॉइंट्स देना. सो दैट्स ऑल गाइज, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो एंजॉय दिस वीडियो. तो गाइज, सबसे पहले आई एम जस्ट चेंजिंग द टायर्स ऑफ दिस सुजुकी ब्रेज़ा. और एज यू कैन सी आई एम जस्ट एडिंग द ऑफ रोडिंग टायर्स. और इन टायर से क्या होगा, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी. और एज यू कैन सी मैंने सुजुकी ब्रेज़ा पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. सो द टायर्स आर लुकिंग सो गुड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर. और जो कलर है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लू. और इसके साथ मैं इस पे जो कलर है वो डबल टोन करूँगा, क्योंकि पूरा कार पे ब्लू अच्छा नहीं लगेगा, तो डबल टोन हुआ कलर. एंड नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द अनवांटेड इमेजेस, अनवांटेड कलर जो मुझे चाहिए नहीं, लाइक इसके हेडलाइट्स पे, इसके फ्रंट ग्रिल पे, वहाँ मुझे कलर्स चाहिए नहीं, तो मैं वहाँ पे जो कलर्स है वहाँ पे सारा हटा रहा हूँ. एंड द कार इज लुकिंग सो ऑसम इन दिस ब्लू शेड, इन दिस ब्लू कलर. नाउ डूइंग सम डिटेलिंग वर्क विद द कार. एंड मैंने इसमें एक अलग चीज़ करी है, जो इसका फ्रंट ग्रिल है जो नीचे वाली, तो वहाँ से मैं ग्रिल हटा के इसके फ्रंट जो मैंने इसमें ऐड किया है वो वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा. क्यों, और जो इसका फॉग लाइट्स है वो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, बिकॉज इस पर अलग लाइट्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा. द कार इज़ नाउ 50% डन, क्योंकि ये टायर्स लग जाते हैं तो कार मेरा आधा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. और डूइंग सब डिटेलिंग वर्क विद द फ्रंट, क्योंकि वहाँ पे मैंने लाइट लगाई थी, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत शेडोज, थोड़ा बहुत डिटेलिंग वर्क, थोड़ा बहुत हाईलाइट्स वहाँ पे डालना पड़ेगा. और द कार इज लुकिंग सो गुड. एंड गाइस, अगर ये मॉडिफिकेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. जाओ अभी जाओ, लाइक का बटन दबाओ और इस गाड़ी को पॉइंट दो, रेट करो इस गाड़ी को, रेट करो आउट ऑफ 10. और अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो, जिसको फ्रंट में मैंने इसका ग्रिल आगे लगाया था उस पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग वर्क करके, और वहाँ पे जो टायर्स है उनको ही थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपना काम यहाँ पे आधा खत्म. एंड एडिटिंग करने के बाद अब जो काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसमें जो लाइट्स है, जो इसकी रूफ लाइट्स है, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, रूफ लाइट पार्ट्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ. और द लाइट्स आर लुकिंग सो ऑसम, जो उसका लुक आ रहा है पूरा एक ऑफ रोडिंग का, वो यहाँ पे पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है. और सच बताऊँ तो गाइस, जो इसमें क्रोम वर्क था वो मैंने यहाँ पे हटा दिया, बिकॉज मैंने पहले ही बोल चुका हूँ क्रोम वर्क मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, बिकॉज उसमें एक लुक आता नहीं, उसमें वो शाइनिंग आती है, मुझे शाइन कलर बिल्कुल अच्छा लगता. एक मैट कलर अगर गाड़ी पे हो हर जगह तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और एक लुक भी आता है. तो फ्रंट लाइट्स के बाद, जो इसके रूफ लाइट्स के बाद है, अब आ रही आती है इसके फ्रंट बम्पर की और थोड़ी बहुत सेफ्टी की. तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द फ्रंट बम्पर फ्रॉम अनदर कार. और अब उस पर जो अनवांटेड इमेजेस है वो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ. और जो फ्रंट बम्पर है इसका जो लुक है बिल्कुल इस गाड़ी पे परफेक्टली मैच कर रहा है, और पूरा एक ऑफ रोडिंग लुक आ रहा है इस गाड़ी का. और गाइस, सच बताऊँ तो ये जो मैंने पूरा आइडिया लिया है ये लैंड क्रूजर से लिया है. कार अपने लास्ट पॉइंट पर है. आई एम नाउ डूइंग सम डिटेलिंग वर्क. जो इसका स्टॉक था, स्टॉक वर्जर, जो स्टॉक ग्रिल था उस पर थोड़ी बहुत एडिटिंग, और जो नया मैंने लगाया है उस पर थोड़ी बहुत एडिटिंग, क्योंकि दोनों को मैच करना चाहता हूँ कि और लगे ना. और यहाँ पे एज यू कैन सी द कार इज डूइंग सो ऑसम, पूरा एक ऑफ रोड गाड़ी यहाँ बन चुकी है, पूरी एक एसयूवी बन चुकी है. नाउ इट्स रेडी टू रोल इन द माउंटेन्स, मडी एरियाज, हर जगह चल सकती है. और अब बारी आती है इसके लाइट्स की, क्योंकि अगर तुम इस गाड़ी को कहीं पे फॉग में चलाओगे, रात में चलाओगे, तो येलो जो शेड आता है गाड़ी में, येलो जो लाइट्स में मैंने शेड किया है वो बहुत यूजफुल होगा. क्यों, क्योंकि अगर तुम कहीं भी फॉग में चलते हो, जो येलो लाइट्स है वो तुम्हारा बहुत हेल्प करती है, रेदर देन द वाइट लाइट. यहाँ पे लाइट्स पे भी काम हो चुका है. और द कार इज़ नाउ ऑलमोस्ट फिनिश्ड. अब जो इसमें थोड़ी बहुत डिटेलिंग, और जो मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं इस पर डबल टोन कलर करूँगा, वो भी यहाँ पे मैं पूरा करना चाह रहा हूँ. और उससे पहले आई एम जस्ट डूइंग सम डिटेलिंग वर्क. जो इसका फाइनल टचअप्स है, जो इसकी शेडोज़ है, रिफ्लेक्शंस है, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है. और साथ ही साथ मैंने इसका जो कलर है रूफ पे वो मैंने चेंज कर दिया है, वो मैंने किया येलो. और येलो और ब्लू कलर एक समर फील देता है, समर लाइक फील देता है, और लुक भी अच्छा लगता है ब्लू के साथ येलो. सो नाउ मैं जो इसका रूफ है वो येलो कर दिया.
अब जो इसमें चीजें बची है वो इसके थोड़े बहुत स्टिकर्स लगाना और इसका बैकग्राउंड यहाँ पे लगा दिया इसका बैकग्राउंड। अब जो इसमें काम बचा है वो है थोड़ी बहुत शेडोज डालना, पूरे एक परफेक्शन, पूरा एक परफेक्ट गाड़ी, पूरा एक परफेक्ट पूरी इमेज बनाना, पूरी मॉडिफिकेशन परफेक्ट लगना। सो गाइस दैट्स ऑल, नाउ द फाइनल इमेज ऑफ दिस कार इज दिस। सो गाइस दिस इज द फाइनल इमेज एंड एज यू कैन सी मैंने इसमें जो बार लाइट्स थी, जो इसके रूफ लाइट्स थी, उसमें मैंने थोड़ी एडिटिंग करके उसमें लाइट्स ऑन कर दी। प्लस मैंने इसमें कई सारे स्टिकर्स लगाए हैं और जो इसका पूरा बैकग्राउंड है वो भी पूरा मैच कर रहा है एंड द कार इज लुकिंग सो ऑसम। एंड गाइस अगर तुम्हें मॉडिफिकेशन अच्छी लगी प्लीज गाइस हिट दैट लाइक बटन, लाइक करे बिना जाना मत। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि लाइक करो, वीडियो को लाइक करे बिना जाना मत। एंड गाइस कमेंट करके इस गाड़ी को पॉइंट दे सकते हो तुम, आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स दोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ गाइस शेयर कर सकते हो इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ, शेयर करो ब्रेज़ा लवर्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। सपोर्ट मी सपोर्ट माय वर्क बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन। सो दैट्स ऑल गाइस, नई वीडियो जल्दी आने वाली है, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।